हेलो एवरीवन, हमने पिछले लेक्चर में सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टार्ट किए थे और सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम लोग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़े थे, दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे उसके। ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे कि प्योर सेमीकंडक्टर को ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारे पास कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इजकल टू NH इजकल टू Ni, ये भी पॉइंट लिखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, होल का डेंसिटी इक्वल होते हैं और ये किसके बराबर होते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट क्या था उसमें कि यदि हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है और प्योर सेमीकंडक्टर का यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है, ये भी हमने पॉइंट लिखे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखे थे कि जो हमारा पास प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है, या यूं कहूँ उस पर नेट चार्ज जीरो होता है, ये भी लिखे थे। उसके बाद हमने एक इक्वेशन लिखे थे कि Ne इजिकल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस ई जी बाई टू के टी। ठीक है, Ne क्या होता था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन नॉट क्या होता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या होता था, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का यह एक फॉर्मूला हो गया, ये हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाम ही है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ एक्सटर्नल, ईएक्स मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एक्सटर्नल मटेरियल ऐड किया जाता है। ठीक है, अब सोचो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में हमने कुछ एक्सटर्नल मटेरियल ऐड किए, जो एक्सटर्नल मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग इंप्यूरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई एक प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में हम यदि इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे तब जो एक नया सेमीकंडक्टर बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाम से पता चला एक्सट्रिंसिक मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक, उसमें कुछ एक्सटर्नल मटेरियल ऐड किया गया है, तब जो एक नया सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखो जो एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करें उसको हम लोग इंप्यूरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन इंप्यूरिटी एटम are added into pure semiconductor, then produced new semiconductor that is called extrinsic semiconductor। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में हमने इंप्यूरिटी को ऐड कर दिया तब जो एक नया सेमीकंडक्टर बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको लिखे तो कोई इसी लैंग्वेज को कोई इस टर्म में भी लिख सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर प्लस इंप्यूरिटी एटम इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी एटम ऐड कर दिए तब जो एक नया सेमीकंडक्टर बना उसी का नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट आता है डोपिंग। अब देखो हमने क्या किया कि हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें इंप्यूरिटी ऐड कर दिए। ठीक है, तो यह जो इम्प्यूरिटी ऐड किए हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है कि इम्प्यूरिटी को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी इन टू प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, हमने ये भी देख लिए, यहां तक आप लिख लो।
ठीक है। तो हमने क्या क्या देखे कि सबसे पहली बात हम ये देखे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर डोपिंग क्या है। डोपिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी इनटू द सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इम्प्यूरिटी क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोले कि प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड करना है। तो इम्प्यूरिटी एटम क्या क्या हो सकता है? इम्प्यूरिटी एटम दो टाइप्स के यहाँ होते हैं, एक तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम हो सकता है, दूसरा ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम हो सकता है। ठीक है, तो इम्प्यूरिटी जो होता है टू टाइप यहाँ होता है, इम्प्यूरिटी एटम आर टू टाइप, फर्स्ट पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम का मतलब क्या हुआ? वह इम्प्यूरिटी एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब वह सभी एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या हो सकता है? फॉस्फोरस, एंटीमनी, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं। वह सभी एटम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। ठीक है, तो क्या फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम पॉसिबल जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो उस सभी को हम लोग यहाँ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम बोल देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। ठीक है, ट्राईवेलेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वह इम्प्यूरिटी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यानी कि वह सभी एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो उसको हम लोग यहाँ पे ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम की तरह यूज कर सकते हैं। वह सभी एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट के एटम हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो सकता है उसको हम लोग ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और होता है यहाँ पे कि जो हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डोनर इम्प्यूरिटी। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोनर इम्प्यूरिटी। ठीक है, और यह जो ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी भी कहते हैं। ये भी बात लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखे कि इम्प्यूरिटी दो टाइप्स के यूज हो सकते हैं, एक तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम, दूसरा ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। पेंटावेलेंट का मतलब है वह सभी एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, ट्राईवेलेंट का मतलब है वह सभी एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो। यह दोनों को हम लोग एज ए इम्प्यूरिटी यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, और पेंटावेलेंस इम्प्यूरिटी एटम का ही दूसरा नाम है डोनर इम्प्यूरिटी। ठीक है, ट्राईवेलेंस इम्प्यूरिटी का ही दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्टेड इम्प्यूरिटी। ठीक है, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट हम ये लिख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्यूरिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द टू टाइप। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्यूरिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर टू टाइप। कौन कौन? फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इम्प्यूरिटी के बेसिस पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है?
थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, बाद में इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हमारे पास, देखो हमारे पास एक तो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें इम्प्यूरिटी कौन सा ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम। यानी कि यदि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी एटम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में डिफरेंट इम्प्यूरिटी ऐड करोगे तो डिफरेंट टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। यदि प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंसी ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंसी ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हाँ एक चीज़ ये भी आता है कि हमारे पास मान लो कि प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, अब हम उसमें इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, इम्प्यूरिटी कितना ऐड करेंगे यह भी एक बात होती है। तो इम्प्यूरिटी का जो अमाउंट होता है वो वेरी वेरी लेस होता है, यानी कि तुम ऐसे सोचो तो 10 मिलियन सिलिकॉन एटम के क्रॉसपॉन्डिंग ओनली 1 or 2 इम्प्यूरिटी ही ऐड किया जाता है। ठीक है, तो 10 मिलियन प्योर सेमीकंडक्टर के क्रॉसपॉन्डिंग 1 or 2 इम्प्यूरिटी एटम ही ऐड किया जाता है। ठीक है, 10 मिलियन प्योर सेमीकंडक्टर एटम के करस्पॉन्डिंग 1 or 2 ही इम्प्यूरिटी का एटम ऐड किया जाता है। ठीक है, मतलब 10 मिलियन प्योर सेमीकंडक्टर एटम हो तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 or 2 इम्प्यूरिटी का एटम ही ऐड किया जाता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ एडिंग द इम्प्यूरिटी एटम इज वेरी वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एटम। ठीक है, तो यह बात आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर अभी हम पढ़ेंगे कैसे बनता है। प्योर सेमीकंडक्टर में आप पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम ऐड कर दो, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम मिल करके क्या बना देता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करो तो क्या बन जाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर का इसमें क्रिस्टल है, यदि प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल होगा तो हर जगह क्या होगा, इसमें सिलिकॉन, मान लेते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिलिकॉन एटम होगा, तो हमने कुछ सिलिकॉन एटम को यहाँ लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से बॉन्ड होगा क्रिस्टल के अंदर, हम पढ़े थे कल मतलब पिछले लेक्चर में कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर 4 कोवैलेंट बॉन्ड हर एटम बनाए रहते हैं। ठीक है, इस टाइप का सीन होगा इनसाइड अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हम लोग पेंटावैलेंसी इम्प्यूरिटी एटम ऐड करेंगे, तो एक कोई ले लेते हैं फास्फोरस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का जो सिलिकॉन का एटम है उस सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके एक फास्फोरस का एटम इसमें डिफ्यूज कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद होगा क्या, सोचो मान लो कि एक सिलिकॉन एटम है, इसको हमने हटा दिया, उसके बदले एक फास्फोरस का एटम को यहाँ दिए हैं, जब यहाँ फास्फोरस का एटम आएगा उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। 5 में से 4 जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने नेबर के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली है। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि इस मेटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जब एक इम्प्यूरिटी एटम ऐड किए हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ
प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो कि दो इंप्योरिटी ऐड करते, दो इंप्योरिटी एटम ऐड करते, दो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना अधिक नंबर ऑफ इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो हम ये यदि बात है, अब हम क्या देखना चाहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है हमारे क्रिस्टल के अंदर वो कैसे कैसे जनरेट हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर ले। तो देखो, जो इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक तो हम देख रहे हैं कि एक इंप्योरिटी ऐड हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दो इंप्योरिटी यदि ऐड करते, दो फास्फोरस का एटम ऐड करते तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन होता। मान लो कि हम 100 फास्फोरस का एटम इसमें ऐड करते तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते, 100 होते। यानी कि यदि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन देखें, फ्री इलेक्ट्रॉन या यूं लिखूं Ne, वो किससे आ रहा है, एक तो डोनर एक तो हमने पेंटावैलेंसी इंप्योरिटी से आ रहा है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से। ठीक है, हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कहां कहां से आ रहा है, अभी हम ये देखें कि जितना हम लोग पेंटावैलेंसी इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। हमने 100 फास्फोरस के एटम ऐड करेंगे, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो कहां से आ रहा है, पेंटावैलेंसी इंप्योरिटी एटम से आ रहा है। एक तो हम ये देखें, दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड हैं जो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखे भी थे कि यदि हम लोग एट रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो जो भी सिलिकॉन का एटम है वह क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करेगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, और कुछ बॉन्ड ब्रेक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, दो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, दो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, यह इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा जिसके कारण होल भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि Ne इज इक्वल टू NH भी हो रहा है, ये किसके कारण, एट रूम टेम्परेचर जो बॉन्ड है वह बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, बॉन्ड ब्रेक करने के कारण जितना इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है उतना ही होल का जनरेशन हो रहा है। यानी कि इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है, दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, बट संख्या किसका ज्यादा है, तो देखो तो यह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दो तरीका से प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो इंप्योरिटी एटम के ऐड करने के कारण आ रहा है, दूसरा थर्मली जो रूम टेम्परेचर पर है वो ऑलरेडी अपने आप जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन एंड होल का। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जनरेशन दो कारण से हो रहा है, एक तो इंप्योरिटी ऐड के कारण, दूसरा नेचुरली भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल में किसकी संख्या ज्यादा होगा, हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन क्या होता है, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है और होल की संख्या कम होता है। ठीक है, अब एक चीज हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो नेचुरल कॉज से इलेक्ट्रॉन एंड होल का जनरेशन होता है वो वेरी वेरी लेस होता है। ठीक है, यानी कि एट द रूम टेम्परेचर जो अपने आप बॉन्ड का ब्रेक होता है एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो इक्वल अमाउंट में जनरेशन होता है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है। यानी कि इसका जो संख्या है वो जो हमारा डोनर इंप्योरिटी के कारण जो एनी आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में इसकी संख्या वेरी स्मॉल है। ठीक है, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं यह जो है इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मटेरियल में क्या है, वेरी वेरी लार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू होल कंसंट्रेशन। तो हमने यहां से ये लिख दिया Ne का संख्या मच मच ग्रेटर देन होल है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इनसाइड द एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल। ठीक है, या यू कहूं कि यह जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, होल भी प्रेजेंट है, लेकिन किस चार्ज की संख्या ज्यादा है, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है होल से, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, होल हो गया, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये हमने देखे। एक बात हम ये भी देखेंगे यहां कि मान लो कि हमारे पास ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, इस सिलिकॉन क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है वो दो कारण से हो रहा है, एक तो पेंटा इंप्योरिटी ऐड करने के कारण आ रहा है, दूसरा नेचुरल कॉज एट द रूम टेम्परेचर अपने आप होता है, लेकिन इसकी संख्या जो होता है वेरी वेरी लेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा इस क्रिस्टल एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वो किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट पेंटावैलेंसी इंप्योरिटी एटम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मान लो इसमें हमने 100 इंप्योरिटी ऐड किया है पेंटावैलेंट, तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे,
प्लस कुछ मान लो कि 100 हमने एटम ऐड किया इम्प्यूरिटी का, 100 इम्प्यूरिटी एटम को हमने ऐड किया, ठीक है, एक बार सोच लो, तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जनरेट होगा, साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉन नेचुरली भी होगा रूम टेम्परेचर पे जो अपने आप होता है, उसकी संख्या इसके रिस्पेक्ट में वेरी वेरी लेस होता है, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन जो है नेचुरली भी जनरेट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 होल। तो यदि हमसे पूछा जाए नेट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 100 प्लस 2, ठीक है, बट नेचुरली को काउंट करना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इनसाइड दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर वो किसके बराबर है, डोनर इम्प्यूरिटी के बराबर। 100 एटम ऐड किए तो एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 102 है, लेकिन एग्जैक्टली नेचुरल के कारण काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, डोनर इम्प्यूरिटी के एटम के बराबर है, ठीक है। तो हम ये भी लिख देते हैं, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो फिर इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नियरली इज इक्वल टू डोनर इम्प्यूरिटी। डोनर इम्प्यूरिटी मतलब पेंटावैलेंसी इम्प्यूरिटी, ठीक है, क्यों इसको बोलते हैं अभी हम देख लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, यानी कि यदि हमसे ये कहा जाए कि इसमें हमने 1000 एटम को ऐड किए हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम क्या भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनर इम्प्यूरिटी के बराबर होता है। यदि हम 1000 एटम को 1000 इम्प्यूरिटी एटम ऐड किए हैं तो 1000 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब आता है कि पेंटावैलेंसी को हम लोग डोनर इम्प्यूरिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम पेंटावैलेंसी लाए हैं, मान लो फॉस्फोरस एटम हमने ऐड किया, तो फॉस्फोरस एटम का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 4 तो बॉन्ड बना लिया लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, जो पेंटावैलेंसी इम्प्यूरिटी एटम है वह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ डोनेट कर रहा है क्रिस्टल में, यह जो है फ्री इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा, फॉस्फोरस यह क्रिस्टल में डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। यानी कि जो भी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम होगा उसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नेवर के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बचेगा जो क्या करेगा, वो सिलिकॉन को डोनेट करेगा, इसीलिए पेंटावैलेंसी इम्प्यूरिटी एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेंटावैलेंसी इम्प्यूरिटी के बदले कहीं कहीं डोनर इम्प्यूरिटी भी लिखा जाता है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डोनर इम्प्यूरिटी, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है चार्ज की बात, नेट चार्ज इस क्रिस्टल पे कितना होगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल था, एक सिलिकॉन एटम को हटाए तो पूरे के पूरे सिलिकॉन एटम तो न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम पे नेट चार्ज तो जीरो ही होता है, तो एक सिलिकॉन को हमने हटाए उसके बदले एक फास्फोरस एटम ऐड किए, पूरे एटम ही ऐड किए हैं, तो पूरे जो फास्फोरस एटम आ रहा है वह क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी कि जब हमने इसमें से सिलिकॉन हटाए तो भी पूरे क्रिस्टल न्यूट्रल था, जब हमने एक फास्फोरस कंप्लीट एटम ऐड किए तो भी ये न्यूट्रल ही होगा, यानी कि नेट चार्ज ऑन दिस क्रिस्टल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ऐसे मत नहीं सोचना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होता है, इसमें नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो नेट चार्ज जीरो हो गया इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एन टाइप के बारे में पढ़ लिया। तो यदि हम लोग एक बार देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या पढ़े, फर्स्ट हम ये पढ़े कि जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था उस प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंसी ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। पेंटावैलेंसी को हम लोग डोनर इम्प्यूरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है क्रिस्टल में, ठीक है। हमने देखे एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक डोनेट कर रहा है, इसका नाम डोनर इम्प्यूरिटी हो गया, ठीक है, ये भी देखे। उसके बाद हम देखे कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है होल भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जनरेशन दो वजह से हो रहा है, एक तो इम्प्यूरिटी ऐड के कारण, दूसरा नेचुरली हो रहा है रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड के ब्रेक करने के कारण, ठीक है। लेकिन यह जो नेचुरली होता है वेरी लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग काउंट करें इसकी संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का या होल का, तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो दो कारण से जनरेट हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल हो जाता है। हम ये भी देखे थे, तो एक स्टेटमेंट भी लिख दिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है और होल जो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी हम देखें। फिर हम ये देखे थे कि जब हमारे पास ये हमारे पास दोनों हो गया, ठीक है, और यदि हम लोग काउंट करें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या,
तो हम क्या देख रहे थे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है अप्रोक्सीमेटली डोनर इम्प्योरिटी एटम के बराबर ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन इसके कारण हो तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो मेन जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है इम्प्योरिटी एटम के ऐड के कारण ही। तो हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एंटैप सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल टू द या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द किसके बराबर, डोनर इम्प्योरिटी एटम के बराबर, ये भी हम देखें। उसके बाद हम ये देखें चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज ऑन द एंटैप सेमीकंडक्टर इज जीरो, ठीक है, ये सब हमने अभी देखे हैं। इसको हम लोग एक बार पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो देखे हैं उसको हम देख लेते हैं। हमने क्या देखे कि जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्लस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करने से एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये देखे। दूसरी पॉइंट हम ये देखे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर अंदर प्रेजेंट दोनों होता है, बट मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है, ठीक है, ये भी देखे। थर्ड पॉइंट हम क्या देखे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है या कंसंट्रेशन होता है अप्रोक्सीमेटली डोनर इम्प्योरिटी के बराबर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हम ये देखे थे कि नेट चार्ज जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर पे जीरो होता है, या यूं कहूँ कि यह क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये हमने देखे, ठीक है। इतना पॉइंट हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे, इसको आप नोट कर लो। तो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेम एज इट इज होता है, जैसे अभी हमने देखे थे सेम एज इट इज वहां भी होता है। तो फर्स्ट होता है हमारे पास, सेकेंड टाइप आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है हमारे पास कि प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो लिख लें प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसका क्रिस्टल लेके के देख लेते हैं, हमने क्या किया, एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लिए हैं, तो प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या होगा, पूरे पूरे सिलिकॉन एटम होगा, तो कुछ एटम को लेके हम लोग यहां दिखा देते हैं, ठीक है, ये सिलिकॉन हो गया। हम जानते हैं कि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हर सिलिकॉन एटम नेवर के साथ चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रहता है ताकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, ठीक है, ये हमारा प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम को ऐड कर रहे हैं, हमने क्या करेंगे, कोई एक सिलिकॉन एटम को रिमूव कर देते हैं, यहां से एल्युमिनियम एटम को ऐड कर देते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है, इसका तो तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लेते ये है, ये है, यहां तो यह तीन तो बॉन्ड बना लेगा कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां वैकेंसी हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, यानी कि यहां पे होल का जनरेशन हो गया क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब इस होल को फिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा तो फर्दर होल यहां से यहां मूव कर जाएगा, यानी कि होल का मूवमेंट इस क्रिस्टल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक एल्युमिनियम एटम ऐड किए थे, एक होल का जनरेशन हुआ, मान लो कि हम 500 एल्युमिनियम एटम ऐड करते इस सिलिकॉन क्रिस्टल में तो कितने नंबर ऑफ होल होते, 500
नंबर ऑफ होल का जनरेशन होता है। यानी कि यदि हम लोग बात करें तो होल का जनरेशन एक इम्प्योरिटी एटम के ऐड करने के बराबर के कारण हो रहा है, तो होल का जो जनरेशन हो रहा है वो इम्प्योरिटी एटम के कारण भी हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इम्प्योरिटी एटम ऐड करने से होल की संख्या बढ़ रहा है। और क्या क्या होगा, जब ये यह क्रिस्टल रूम टेम्परेचर पर होगा तो अपने आप क्या होगा, कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और इलेक्ट्रॉन इन होल पेयर का जनरेशन होता है। हम ये भी देखे थे कि बॉन्ड ब्रेक करने के कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल की संख्या बराबर होता है, यानी कि Ne इज इक्वल टू NH हो गया एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेचुरली ऐसा होता है। यानी कि होल का जनरेशन दो वजह से हो रहा है, एक तो इम्प्योरिटी एटम के ऐड करने के कारण हो रहा है, दूसरा नेचुरली अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो मैं किसकी संख्या ज्यादा है, होल की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या? हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो केवल नेचुरली हो रहा है जनरेशन, लेकिन होल दो कारण से हो रहा है, नेचुरली भी एज वेल एज इम्प्योरिटी एटम के कारण भी। हम यहां से यह बोल देंगे कि होल जो होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर में है और इलेक्ट्रॉन जो है यहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है। ठीक है, तो होल क्या है यहां, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहां इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हां, यह भी बात सही है कि इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हां, होल की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रेजेंट दोनों रहते हैं। ठीक है, यह हमारे पास हो गया। अब हम यदि एक बात देखें कि हम अभी भी पढ़े थे कि जो नेचुरली का जनरेशन होता है, नेचुरली जो अपने आप जनरेशन होता है बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण, उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। यानी कि यू कहूँ कि यह जो नेचुरली प्रोडक्शन होता है वो वेरी स्मॉल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी वेरी स्मॉल होगा, होल की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इम्प्योरिटी एडिशन बहुत ही ज्यादा होता है। हम यहाँ से ये भी लिख देते हैं कि नंबर ऑफ होल Inside this crystal is much much greater than free electron. ठीक है, सेम एज इट इज एंड टाइप की तरह हम लोग चले, वहां ये सभी घटना इलेक्ट्रॉन के लिए होता था, यहां ये सभी होल के लिए हो रहा है। ठीक है, अब सोचो हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि 500 एल्युमिनियम एटम ऐड किया तो 500 होल का जनरेशन भी होगा, तो 500 होल, 500 इम्प्योरिटी को हमने ऐड किए, मान लिए इम्प्योरिटी एटम को, तो 500 होल का जनरेशन हो गया इस क्रिस्टल के अंदर, एंड कुछ इलेक्ट्रॉन इन होल नेचुरली भी हुआ होगा, बहुत कम होता है इसके रिस्पेक्ट में, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 होल नेचुरली हुआ। ठीक है, जनरेशन नेचुरली हुआ, तो यदि हमसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ होल कितना है इस क्रिस्टल के अंदर, तो 500 प्लस 2 क्या होगा, 502। ठीक है, 502 होल होगा, लेकिन नेचुरली काउंट करना है ईजी नहीं होता है, टफ होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री होल जो है इसके अंदर वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, एल्युमिनियम एटम के बराबर है, क्योंकि एल्युमिनियम 500 ऐड किए तो है नेट तो 502 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको हम 500 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां से ये बोल देंगे कि नंबर ऑफ होल इनसाइड दिस क्रिस्टल नियरली किसके बराबर हो रहा है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के बराबर। एंड ये क्या है मेरा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम। अब बात आता है कि इसको हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने क्या देख रहे हैं कि इस केस में यहां एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह क्या करता है, सिलिकॉन क्रिस्टल से एटम को लेता है, एक्सेप्ट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। यानी कि कोई भी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होगा उसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 3 तो नेवर के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा, हर समय एक क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस डेफिशिएंसी कारण यह ऑलवेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम दिस क्रिस्टल, यही कारण है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि होल का जो कंसंट्रेशन होगा या संख्या होगा इनसाइड दिस क्रिस्टल इज नियरली इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के बराबर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां क्या होता था एंटाइप सेमीकंडक्टर में कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता था अप्रोक्सीमेटली डोनर इम्प्योरिटी के बराबर हो जाता था, यहां एक्सेप्टर के बराबर होल की संख्या हो गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट देखेंगे, ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज इस पर क्या होगा, क्या ये न्यूट्रल है या नहीं है, ये मुझे सोचना है। तो देखो, यदि तुम ये देखोगे कि इनिशियली हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल था,
ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल में से एक सिलिकॉन को हमने हटा दिया, पूरी एटम को हमने रिमूव किया, तो तभी ये न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि पूरी एटम को ऐड करो या रिमूव करो नेट चार्ज उस पर जीरो ही है। तो हमने रिमूव कर दिया तो भी ये क्रिस्टल पे नेट चार्ज जीरो है। अब हमने क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे एल्युमिनियम एटम को ऐड कर रहे हैं, तो पूरा एल्युमिनियम एटम ही इसमें ऐड हो रहा है, तो एटम पे तो नेट चार्ज जीरो होता है, क्रिस्टल का ऑलरेडी जीरो था, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि नेट चार्ज ऑन दिस क्रिस्टल क्या होगा, नेट चार्ज इज जीरो हो गया। यानी कि जो हमारा पीटेक सेमीकंडक्टर होता है उस पर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, या यूं कहूं कि यह क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी फोर पॉजिटिव, इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, जो कि एग्जैक्टली गलत है। नेट चार्ज पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। ये हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हमने इंप्यूरिटी क्यों ऐड किए, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इंप्यूरिटी ऐड करने से मेरा क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो एक चीज सोचो कि जब हमने इंप्यूरिटी ऐड नहीं किए थे, ठीक है, तो अब जो प्योर सेमीकंडक्टर था उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एंड होल का जनरेशन हो रहा था वो किसके बराबर, ये नेचुरली एट द रूम टेम्परेचर बॉन्ड ब्रेक करता था और अपने आप इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन होता था, इस ये होता था। अब हमने क्या किया, इंप्यूरिटी ऐड किए, तो नंबर ऑफ चार्जेज, या यू कहो कि, या सिंपल वर्ड में ये कहें कि इंप्यूरिटी ऐड करने से होल की संख्या बढ़ गया, ठीक है। जब मान लो इंप्यूरिटी नहीं ऐड किए थे, केवल ये था N is equal to NH, इतना था। अब impurity add करने से ये भी एक extra free charge आ गया, ठीक है। यानी यूं कहूँ कि हमने impurity add करने से किसी भी pure semiconductor के अंदर number of free charge की संख्या क्या हो जाता है, increase हो गया। अब सोचो number of free charge किसी भी crystal के अंदर बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, उसका conductivity increase हो गया। यानी कि जो हमने impurity add किए थे उसके पीछे मेरा मकसद क्या था, कि pure semiconductor का conductivity बढ़ाना, ठीक है। सेम वे में तुम एनटैप सेमीकंडक्टर में याद करो, एनटैप में नेचुरली जितना प्योर सेमीकंडक्टर का था उतना तो जनरेशन हो ही रहा था, एनी बराबर एनएच, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो रहा था ड्यू टू द डोनर इंप्यूरिटी कारण, ठीक है। तो डोनर इंप्यूरिटी कारण एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन का भी जनरेशन हो रहा था, यानी कि एनटैप सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ चार्जेज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ चार्ज इनसाइड द प्योर सेमीकंडक्टर। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक संख्या में फ्री चार्ज है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज अधिक है तो कंडक्टिविटी भी अधिक होगा। यानी कि हमने इंप्यूरिटी ऐड करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि कंडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करना, और वह काम यहाँ हो भी गया, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है कि हम लोग इंप्यूरिटी क्यों ऐड करें, इससे क्या फायदा है, तो कंडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या क्या देखे कि प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंसी एटम ऐड करो, पी टाइप बन जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये देखे, इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम ये पढ़े कि फ्री होल की जो संख्या है इनसाइड दिस क्रिस्टल इज नियरली इज इक्वल टू एक्सेप्टेड इंप्यूरिटी एटम के बराबर, ये भी हमने देखे। उसके बाद हम ये देखे कि नेट चार्ज इस पर जीरो होता है। उसके बाद हम ये भी पढ़े कि इंप्यूरिटी को क्यों ऐड किए हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, क्या फायदा है इससे, इससे इसका नंबर ऑफ फ्री चार्ज बढ़ गया क्रिस्टल के अंदर, तो या यूं कहूं कि कंडक्टिविटी लेवल जो उसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो भी देखे हैं प्योर सेमीकंडक्टर के लिए उसको एक बार हम लोग पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखे कि प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम को ऐड करेंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हम ये देखे कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होता है इनसाइड द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज होल एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अधिक संख्या होल का होता है इसलिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट आता था कि काउंट करना, तो नंबर ऑफ फ्री होल या नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन इनसाइड द पी टाइप सेमीकंडक्टर नियरली किसके बराबर जाता है, एक्सेप्टेड इंप्यूरिटी के बराबर, ये भी हमने देखे। थर्ड पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट देखिए कि इस पे जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, जीरो होता है, या यू कहूँ कि यह जो होता है यह हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। और एक चीज़ सोचो कि हमने क्यों ऐड की इम्प्योरिटी, ताकि इसका इसका कंडक्टिविटी लेवल बढ़ जाए, अधिक से अधिक कंडक्टिविटी लेवल हो, ठीक है। यानी कि इम्प्योरिटी जितना ऐड करेंगे कंडक्टिविटी लेवल उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है। उसके बारे में हमने डिटेल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हमने उसको पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।